जिसमें कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो, कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दो। पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो मुद्दे दिए गए होते हैं, यानी कि रूपरेखा दी गई होती है, उसके हमें अच्छी तरह से क्रम में कहानी जब हम लिखेंगे तो उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार हमें रूपरेखा यानी कि मुद्दे दिए गए हैं उसी प्रकार हम कहानी लिखेंगे। तो पहला मुद्दा है पात्र आदि के नाम को एक गांव था
आंशिक कर्म है उस प्रकार के समान तरीके से लिखना होगा ताकि कहानी कैसी लगेगी, बहुत ही दिलचस्प लगेगी। अन्य वाक्य भी है, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी किसमें लिखनी चाहिए? प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर हम कहानी को उपयुक्त
यह क्या था कहानी की रूपरेखा थी। अब हमें इसकी कहानी बनानी है, तो अब कहानी में अब हम कहानी बनाएंगे। तो चलो चलो, एक गांव था, यहाँ पर हमें एक बूढ़ा किसान, इस प्रकार का पहली रूपरेखा क्या थी, एक बूढ़ा किसान। लेकिन अब हम उसकी कहानी में देखो किस प्रकार से कहानी की शुरुआत की। हमने कि एक गांव था, उसमें हरिराम नामक एक बूढ़ा किसान रहता था। अब यहाँ पर उसका नाम भी नहीं दिया गया, फिर भी हमने उसका नाम दिया, क्या दिया, हरिराम नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके तीन लड़के थे, कितने लड़के थे, उसे तीन लड़के थे। वो बड़े आलसी थे और कुछ भी काम नहीं करते, बहुत ही आलसी।